एक आइलैंड जिस पर बड़ा सा दरवाजा है और लिखा है ज्यूरेसिक पार्क। अंदर एक अलग दुनिया है, हरे भरे जंगल, ऊंचे पेड़ और हर तरफ हरियाली ही हरियाली। लेकिन इस जंगल की खूबसूरती के पीछे है डायनासोर का डर। लोगों में खौफ है कि कहीं से भी डायनासोर हमला ना कर दे। उत्तर प्रदेश के एक जिले की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, पर यहाँ लोगों को डायनासोर से नहीं बल्कि भेड़िए से डर लगता है। किस्सा बहराइच उस जिले का है जहाँ गांव में भेड़ियों का आतंक है। लोग रात में डरे सहमे पहरा देते हैं ताकि भेड़ियों के अटैक से अपने घर और परिवार को सेफ रख सकें। पूरी कहानी आपको सुनाते हैं, उससे पहले एक अपडेट जान लीजिए। दरअसल भेड़ियों ने इलाके में अब तक कुल 7 लोगों की जान ले ली है, जिसमें मासूम भी शामिल है। इससे पहले कैमरे में कुल 6 भेड़िए और पिंजरे में कुल 3 को कैद किया जा चुका था, पर आज वन विभाग को फिर से बड़ी सफलता मिली। खबर गुरुवार सुबह 11 बजे की है। दरअसल अब एक और आदमखोर भेड़िए को नदी के किनारे गन्ने के खेत से पकड़ा गया। महसी के कोलेला गांव से पकड़ भेड़िए को पिंजरे में बंद किया गया। पकड़े गए भेड़िए को बहराइच वन कार्यालय लाया गया, यहां से उसे गोरखपुर जू भेजा जाएगा। इस खबर के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पिछले 2 महीनों से भेड़ियों का आतंक बढ़ गया है। महसी तहसील क्षेत्र में 10 मार्च को भेड़िए ने पहला शिकार किया। इस हमले में मिश्रण पूर्वा गांव की एक बच्ची की जान चली गई। इसके बाद 23 मार्च, 17 जुलाई, 27 जुलाई, 3 अगस्त, 17 अगस्त को भी भेड़िए के हमले की खबर सामने आई और अब हाल ही में 22 अगस्त को भेड़िए के हमले से एक बच्चे की मौत हो गई। ऐसे में भेड़ियों की गैंग से गांव को सेफ रखने के लिए 16 टीमें और 12 जिला अधिकारी जुट गए हैं। इसमें एडिशनल प्रिंसिपल चीफ, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रेनू सिंह, DFO बाराबंकी आकाश बदावन और DFO नवीन प्रकाश भी शामिल हैं। वन विभाग ड्रोन और थर्मल ड्रोन के जरिए भेड़ियों की निगरानी कर रहा है। और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है। ऐसा है कि भेड़िए को ट्रांकलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसके बाद फिर काफी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रांकलाइज भी करना पड़ा। लेकिन जैसे वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको ठीक जगह पे जहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसे हम उसको ट्रांसफर। इसी कड़ी में बुधवार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बहराइच में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने गांव वालों को आश्वस्त किया कि वन विभाग भेड़ियों को पकड़ने और लोगों की सेफ्टी के लिए एक्टिव रहेगा। अब वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। भेड़ियों के हमले में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवारों को जिला प्रशासन ने 5 लाख रुपए की राशि दी है। फिलहाल एक और भेड़िए के पकड़े जाने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली।